अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, आज आपके चैप्टर नंबर वन की एक्सरसाइज है पेज नंबर 18 पर। क्लास सिक्स आप लोग पेज नंबर 18 ओपन करें। आप लोगों की साइंस की बुक में एक्सरसाइज है पेज नंबर 18 पर। आप लोग पेज नंबर 18 ओपन करें। ओके स्टूडेंट्स, तालबात आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1.1। आपने यानी मल्टीपल चॉइसिस करनी है। आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, एक जुमला दिया हुआ है और नीचे उसके चार ऑप्शन दिए होंगे आपकी बुक में। मैंने डायरेक्ट यहां पर जो ठीक ऑप्शन है वो लिख दिया है। आपका जो पहला है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, आपने करेक्ट ऑप्शन पर निशान लगाना है। द पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप थ्रू विच द इमेज ऑफ स्पेसिमेन कैन बी सीन, आई पीस। एनिमल सेल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज एनिमल सेल अपना फूड खुद नहीं तैयार कर सकता। क्यों? क्योंकि दे हैव नो क्लोरोप्लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री एक्सेप्ट वन आर द पार्ट ऑफ सेम सेल, सेंट्रियोल। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री ऑर्गन्स एक्सेप्ट वन आर द पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड। आपको बच्चों तालबात आपको ये चार चार ऑप्शन दिए होंगे। मैंने जो करेक्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल स्टेटमेंट के जुमले के सामने लिख दिया है। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.2, क्वेश्चन नंबर 1.2 में आपके पास है। आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1.2 में, राइट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन बॉक्सेस। आपको खाली बॉक्स दिए हुए हैं, आपने ये टर्मिनोलॉजीज लिखनी थी। फर्स्ट में आएगा सेल, सेकंड में टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। देन है डिफाइन फॉलोइंग्स, आपने ये शॉर्ट डेफिनेशंस लिखनी है। सेल, व्हाट इज सेल? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडीज। ये क्या है के स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट है लिविंग बॉडीज का। एनिमल्स एंड प्लांट इज कॉल्ड, लिविंग बॉडीज में हमारे पास एनिमल और प्लांट आते हैं, तो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो सेल है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच एनेबल अस टू सी दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट सीन बाय नेकेड आई। ये हमारे पास क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है जिससे हम उन चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं जिसे हम अपनी आंख से वैसे नहीं देख सकते। जैसे आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत शॉर्ट होते हैं, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसे हम इस इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप की स्कोप की मदद से देखते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे जैसे बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है वो सब माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जाते हैं। देन है आपके पास टिश्यू, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। यानी एक ग्रुप होता है एक जैसे सेल्स का और इनका एक जैसा फंक्शन होता है, इसको हम टिश्यू कहते हैं। ऑर्गन, इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिफरेंट टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। अब क्या होता है कि पौधों में और जानवरों में मुख्तलिफ इकसाम के टिश्यू इकट्ठे होते हैं और मिलकर क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन जिसे हम अज़ा बोलते हैं, एक इंसानी अज़ा बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम, इन द बॉडीज ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। और जब आपके ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ये एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ये क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। बस सिक्स क्लास, आज आपका यही होमवर्क है। आप लोगों ने अपनी बुक पर इसे सर्कल करना है पेज नंबर 18 पर, और नीट अपनी कॉपीज पर आपने ये टर्मिनोलॉजी लिखनी है, बॉक्सेस बनाने हैं उसमें टर्मिनोलॉजी लिखनी है, और आपने ये शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, शॉर्ट ये जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आपने डिफाइन करना है, सेल, माइक्रोस्कोप, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।